लद्दाख की गलवा घाटी में चीन और भारत के बीच खूनी झड़प में शहीद हुए 20 शूरवीरों को आज जम्मू में वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर SRTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारी पेंडिंग पैसे को तुरंत रिलीज किया जाए। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने बॉर्डर पर शहीद हुए भारतीय सेना के शूरवीरों को याद कर यज्ञ कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए मांग की कि केंद्र सरकार को चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। लद्दाख में गतिरोध पैदा करने वाले ड्रैगन यानी चीन अब भारत में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। उसका निशाना केवल सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि आम लोग भी हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रालय, छोटे बड़े उद्योग धंधे एवं हजारों संगठन भी चीन की चाल में फंस सकते हैं। चीन संचालित 54 ऐप से केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों विभागों को सचेत रहने के लिए कहा है। 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी घरों को सिर्फ पानी कनेक्शन से ही नहीं जोड़ेगी बल्कि ये भी तय करेगी कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। इसके लिए सरकार पानी की हर टंकी में एक सेंसर लगाएगी जो सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं मापेगा बल्कि जल की गुणवत्ता भी तय करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में क्राइम ब्रांच का पुनर्गठन किया गया है। अब इसमें 4 विंग होंगे। इसके लिए पूर्ववर्ती एंटी हाईजैकिंग यूनिट से विभिन्न रैंक के 85 लोगों को क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग की गई है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। कश्मीर घाटी के शोपियां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि मुख्य आरोपी पंच फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें अपहरण, छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा नार्को टेरर मॉड्यूल मामले की जांच NIA करेगी। गृह मंत्रालय ने NIA को जांच की मंजूरी दे दी है। बताते चले कि 11 जून को पुलिस ने लश्कर के नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 21 किलो हेरोइन और 1,34,00,000 कैश बरामद किया गया था। ब्रिटेन के कारोबारी समूह हिंदुजा ग्रुप में भाइयों का संपत्ति को लेकर विवाद इंग्लैंड के उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। हिंदुजा परिवार ब्रिटेन के अरबपतियों में आता है। ये मामला अदालत में परिवार के संरक्षक कहे जाने वाले 84 वर्षीय श्रीचंद परमानंद हिंदुजा लेकर गए। उन्होंने अपने 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC के विधायक तमुनाश घोष की बुधवार को मौत हो गई। वो मई महीने से कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। वो TMC में पिछले 35 साल से थे। पिछले दिनों की भीषण गर्मी के बाद बुधवार को झमाझम बारिश से दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश में तेल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ साथ राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए आज एक बार फिर भारत चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत होगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC सीमा विवाद पर बातचीत करेगी। सेना प्रमुख MM नरवणे लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज यात्रा के दूसरे दिन सेना प्रमुख पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख यहां तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे।